आयशा, हाय मां मर गई। अरे यो बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या जुल्म किया? ये क्या मुंह पे लेपा लेपी कही हुई है? ये क्या लगाया है? अम्मा ये लेपा लेपी नहीं है, इम्पोर्टेड मास्क है, फाइजा से लेके आई हूँ मैं। तुम देखना जरा इसको लगाने के बाद मेरी जिल्द कैसे निखर जाएगी। तुझे करना क्या है अपनी जिल्द को निखार के? क्यों अम्मा, मेरी शादी नहीं होनी? उसी की तैयारियां कर रही हूँ मैं। वैसे अम्मा तो मानती अपनी बेटी को, कैसे मैंने उस असगर को कलसूम खाला के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करा दिया है। बड़ा फहद वहां शिफ्ट होने का सोच रहा था, उसके सारे अरमानों पर ना ओस पड़ गई है। शिफ्ट होना तो दूर की बात, तुम देखना वो असगर फहद को उस घर में घुसने तक नहीं देगा। तो अच्छा ही है ना, मगर तुम्हें इस बात का क्या फायदा? महनाज की तो शादी हो गई, वो दोनों तो आजाद है शादी करने के लिए। बड़े आजाद है। तुम्हें क्या लगता है जब वो असगर उस महनाज के साथ बुरा सलूक करेगा तो इन सबका कसूरवार फहद और मलिहा को मानेगी ना? सोचो जरा, खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों की खुशी को कैसे पूरा होने देगी वो? नफरत करेगी ना। मास तो क्या आती हूँ। बात तो वैसे इस लड़की ने बड़ी पते की है, पूरी अपने बाप पे गई है सोच में। बिल्कुल शातिर, शातिर दिमाग की लड़की है।